दोस्तों किस तरह आप अपने लिए पासपोर्ट साइज की फोटो बना सकते हो, उसमें कोट टाई वगैरह ऐड कर सकते हो, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, वो भी मोबाइल फोन में। जी हाँ, आप अपनी मोबाइल फोन में भी ये सब कुछ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ही लोगों का यही क्वेश्चन था कि भाई आपने फोटो एडिटिंग तो सिखाया कि किस तरह हम पासपोर्ट साइज की फोटो बना सकती है, लेकिन इसमें हम कोट टाई वगैरह किस तरह ऐड करेंगे। तो आज हम अपनी मोबाइल फोन में देखने जा रही है कि किस तरह हम अपनी फोटो में कोट टाई ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कोट आपको डाउनलोड करना होगा। तो कोट डाउनलोड के लिए यहाँ पर आपको जो है टाइप करना होगा COAT कोट, ठीक है, पर पासपोर्ट साइज़, इस तरह के हम जो है कीवर्ड टाइप करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है कोड्स आपको शो होंगे, जो भी आपको पसंद हो जस्ट आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा। तो ये मोबाइल फ़ोन में हम सीखने जा रहे हैं, फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल फ़ोन से आप इजीली आप कर सकते हो। एक दफ़ा दो दफ़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जल्दी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया डाउनलोड इमेज, इसको मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड अगेन, ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसी बैकग्राउंड रिमूव करना है, क्योंकि इसमें अभी वाइट बैकग्राउंड है। तो ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोज में आपको सिखाया भी है कि किस तरह हम फोटो से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, रिमूव डीजी, इसको मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये मैंने किया। फिर आपको क्या करना है, वो जो कोट वाला फ़ोटो हमने डाउनलोड किया है यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने डन किया, यहाँ पर जो है अभी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो कोट है वो रह जाएगा, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया रिमूव, डन। फिर हम जो है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो चुका है, हमारे पास फोटो भी रेडी है। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि आपके पास जो फ़ोटो है, आपका फ़ोटो, उसे भी बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो सेम तरीका है, यहाँ पर जो है मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ पर जो है मैं ये वाला करता हूँ, यहाँ पर इस फ़ोटो से मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। दोस्तों हमारी फ़ोटो से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, जस्ट आपको डाउनलोड करना है। तो ये डाउनलोड हो गया है। फिर आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर फिर आपको टाइप करना है पिक्सल लैब, ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। इसके ज़रिए आप जो है अपनी फ़ोटो में कोट टाई लगा सकते हो। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद फिर हम जो है ओपन करेंगे। तो दोस्तों ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है बैकग्राउंड डालना है। तो बैकग्राउंड डालने के लिए यहाँ पर मैं प्लस निशान पर क्लिक करके शेप में जाता हूँ। शेप में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। अगर आप ब्लू डालना चाहते हो तो ब्लू भी यहाँ से डाल सकते हो, सब कुछ आप जो है कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लू वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। ये तो हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस निशान पर क्लिक करके यहाँ पर फ्रॉम गैलरी हम करेंगे, और दूसरी नंबर पर हम अपनी फ़ोटो को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है रिसेंट कर देते हैं, रिसेंट में हमें जो हमारी डाउनलोडेड फ़ोटो शो हो जाएंगी। तो ये हो गया। फिर हम जो है टिक मार्क करेंगे, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखिए, ठीक है ना। फिर जो है तीसरी नंबर पर हम जो है अपनी कोट को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम गैलरी और ये वाला कोट हम इंसर्ट करेंगे। यार काफ़ी इजी है यार, आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी कोट टाई लग चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके हम जो है एक्सपोर्ट इमेज करेंगे। एक्सपोर्ट इमेज करने के बाद सेव टू गैलरी, तो ये गैलरी में सेव हो चुका है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और अभी जो है मैं ओपन करता हूँ वो पासपोर्ट साइज़ वाली ऐप्स को। तो ये मैंने ओपन किया गैलरी, और ये रहा हमारा फोटो। स्टार्ट एडिटिंग, नेक्स्ट, फिर हम सेव करेंगे एंड मल्टीपल, ये आप देख सकते हो। तो इसी तरह जो है आप अपनी फ़ोटो में कोट टाई लगा सकते हो। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक मारना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।